नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देश की जान प्यारे किसान में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भिंडी की सफल वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो भिंडी की खेती की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जैसे कि भिंडी की खेती करने के लिए अनुकूल समय, बीज दर एवं बीज उपचार, कौन सी उन्नत किस्में लगाए एवं खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितना दे एवं कौन सी खाद उर्वरक दे, तो पूरा वीडियो देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे भिंडी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए उचित समय, सही समय पर खेती करने के लिए सही समय का चुनाव करना बेहद जरूरी होती है। तो भिंडी की अगर हम अनुकूल समय की बात करें तो बरसात के लिए जुलाई से अगस्त की माह होती है, ग्रीष्मकालीन के लिए अप्रैल से मई की माह होती है एवं गर्मियों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक की माह जो होती है गर्मियों के लिए अनुकूल होती है। ये अब बात आती है अनुकूल समय के अलावा हम भिंडी की कौन सी हाइब्रिड किस्में लगाए, हाइब्रिड टॉप वैरायटी वो कौन सी है जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके और जल्द से जल्द तैयार हो जाए, जिसे मंडी में सही समय पर पहुंचे और सही रेट आपको मिले। तो इसके लिए मैं आपको टॉप 5 वैरायटी बताने वाला हूं भिंडी के, जिसे आप लगाकर एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छी इनकम ले पाएंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं। तो पहले नंबर पर जो हमारी भिंडी की हाइब्रिड वैरायटी आती है, वीडियो को पूरा देखें, वैरायटी के अलावा भी बहुत सारा जानकारी मिलने वाली है। तो पहले नंबर पर एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है, इसे हमने एक नंबर पर रखा है क्योंकि ये जो वैरायटी है काफी ही प्रचलित वैरायटी है, इससे काफी सारा किसान भाइयों ने लगाए है और बहुत सारा किसान भाइयों राधिका भिंडी की काफी अच्छी फीडबैक हमें दिए है। तो किसान भाई उससे काफी लोगों से सलाह लेने के बाद एडवांटा गोल्डन सीड्स जो है पहली नंबर पे है। वही अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो एडवांटा वेन्यूस प्लस आती है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर की भिंडी की टॉप वैरायटी में तो नामधारी NS862 भिंडी की जो किस्म है ये भी काफी अच्छी किस्म है। वही चौथी नंबर पे जो भिंडी की टॉप वैरायटी में है नून हेम्स सिंघम बायर की जो वैरायटी है ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। वही पांचवी नंबर की बात करें तो इंडो अमेरिकन जो इंडिया 98 कई सीड से ये भी काफी अच्छी है। और छठी नंबर पर है सिंजेंटा का OH102 ओकरा, ये जो वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटी है, ये सभी वैरायटियों का उत्पादन सबसे अच्छा है और इसमें राधिका का उत्पादन सबसे अधिक है। तो अब हम बात करते हैं आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, तापमान, खेत का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें उपयुक्त मिट्टी की तो भिंडी की खेती के लिए अगर अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, ऐसे आप किसी भी भूमि में कर सकते हैं। इसके लिए भूमि अच्छी जल निकासी वाली होना चाहिए जिसमें जल निकासी की प्रावधान हो। पीएच मान की अगर हम बात करें तो 7 से 8 का बीच का जो पीएच मान है वो होना चाहिए आपकी भूमि का। भिंडी की खेती में तेज नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना गया है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश एवं गर्मी सभी मौसम में लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो भिंडी की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, तो भिंडी की खेत की तैयारी आप जितने अच्छे से करेंगे उतने ही जल्द आपके पौधे की विकास होगी एवं पौधे के सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिल पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी पड़ेगी। गहरी जुताई करने के बाद आपको क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वर्मी कंपोस्ट डालें, या तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 15 गाड़ी आपको डाल देनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आपको करना क्या है, एक बार मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है रोटेवेटर से जुताई करवाकर। उसके बाद आपको भिंडी की खेती सीधी खेतों में नहीं लगाना है, आपको बेड तैयार करके ही भिंडी लगाना है। अगर आपको चाहिए अच्छी उत्पादन तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको बेड को तैयार कर लेना है। बेड के तैयार करने के बाद आपको भिंडी को बीजों की बुआई जो रोपाई होती है कर देनी है। आपको भिंडी की बीजों की रोपाई को खेत में आपको बिल्कुल भी समतल विधि से नहीं करना है, बेड विधि ही अपनाएं। अब बात करते हैं भिंडी की पौधे की सिंचाई, इसके बीजों को आर्द्रता या युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है।
इसलिए इसको बीज को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है। तो ये रही भिंडी की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।